गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आपका आपके अपने चैनल इंश्योर एग्जाम में स्वागत है। जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करें। आज मैं आप लोगों के लिए रुक्मणी पब्लिकेशन की वॉल्यूम 1 की बुक से BPSC बिहार माध्यमिक शिक्षक कक्षा 9 से 10 हेतु नियुक्ति परीक्षा के लिए टेस्ट सीरीज नंबर 3 लेकर आया हूँ। इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से हम लोग GK और करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी को 1x1 करके हम लोग अच्छे से स्टडी करेंगे। तो चलिए अब हम आते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का जो है हमारा पहला क्वेश्चन है, बिहार में झरनी नृत्य किस समुदाय का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो किस समुदाय का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो मुस्लिम समुदाय का जो है यह प्रसिद्ध लोक नृत्य है। कौन सा नृत्य? तो झरनी नृत्य। तो बिहार में जो है वो झरनी नृत्य मुस्लिम समुदाय का लोकप्रिय नृत्य है। यह जो है वो मुहर्रम के समय आयोजित किया जाता है और इस नृत्य में नर्तक शोक गीत गाते हैं। और जो झिझिया नृत्य है वह दुर्गा पूजा के अवसर पर स्त्रियों द्वारा सामूहिक रूप से किया जाने वाला नृत्य है। इसी तरह का एक और नृत्य है विद्यापति नृत्य, जो कि दुर्गा पूजा के अवसर पर स्त्रियों द्वारा सामूहिक रूप से किया जाने वाला नृत्य है। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। बिहार में दक्षिणी गंगा के मैदान की औसत ढाल किस ओर है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, दक्षिण से उत्तर की ओर। तो बिहार में जो है दक्षिण गंगा के मैदान की औसत ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर है। और दक्षिण गंगा के मैदान में पटना, गया, भोजपुर, रोहतास आदि क्षेत्र आते हैं। और यह जो है मैदान छोटा नागपुर पठार गोंडवानलैंड का उत्तरी विस्तृत भूभाग है। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य के बरौनी में स्थित तेल शोधक कारखाना किसकी इकाई है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, भारतीय तेल निगम की। तो बिहार बरौनी तेल शोधक कारखाना भारतीय तेल निगम की इकाई है। इसकी स्थापना जो है वो रूस और रोमानिया के सहयोग से की गई थी। यह जो है 1964 से कार्यरत है और बरौनी रिफाइनरी को ISO 14001 से मान्यता प्राप्त है। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य में कितने प्रमंडल में 4 जिले से अधिक जिले जो है वो शामिल हैं? तो कितने प्रमंडल में है? तो 4 प्रमंडल में है। अब वे 4 प्रमंडल कौन कौन से हैं? तो पटना, मुंगेर, मगध और तिरहुत है। तो पटना प्रमंडल में जिलों के कौन कौन से नाम हैं, जिलों के नाम? तो पटना प्रमंडल में है नालंदा, रोहतास, कैमूर, भोजपुर, बक्सर। मुंगेर प्रमंडल में कौन कौन से जिले हैं? लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, खगड़िया, बेगूसराय। और मगध प्रमंडल में कौन कौन से जिले हैं? गया, जहानाबाद, अरवल, नवादा और औरंगाबाद। और तिरहुत प्रमंडल में कौन कौन से जिले हैं? मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण और वैशाली। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 21 फरवरी 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार किसे दिया गया? तो किसे दिया गया? डॉक्टर महेंद्र मिश्रा को। किसे? 21 फरवरी 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार डॉक्टर महेंद्र मिश्रा को दिया गया। उड़ीसा में स्वदेशी भाषाओं की उन्नति के लिए भारतीय शिक्षक व सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा ने बांग्लादेश के ढाका में प्रधानमंत्री शेख हसीना से विश्व मातृभाषा पुरस्कार प्राप्त किया। और हम लोग जो है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाते हैं? तो 21 फरवरी को मनाया जाता है। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।
23 फरवरी 2023 को मुंबई चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नया नामकरण किसके नाम पर किया गया है? तो किसके नाम पर किया गया है? तो सीडी देशमुख के नाम पर किया गया है। 23 फरवरी 2023 को मुंबई चर्च गेट रेलवे स्टेशन का जो नया नामकरण है वो सीडी देशमुख के नाम पर किया गया है। मुंबई चर्च गेट रेलवे स्टेशन का जो नया नाम है वो चिंतामणि देशमुख स्टेशन है और सीडी देशमुख जो है वो भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर थे। महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट में विजयी टीम जो है वो कौन बनी है? तो वो बनी है मुंबई इंडियंस। कौन बनी है? तो महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट में मुंबई इंडियन की जो टीम है वो विजयी टीम बनी। महिला प्रीमियर लीग WPL का यह पहला सत्र था और मुंबई इंडियन की महिला टीम ने फाइनल में दिल्ली कैपिटल्स को पराजित कर यह खिताब जो है वो अपने नाम किया। और मुंबई इंडियन टीम की कैप्टन कौन थी? तो हरमनप्रीत कौर थी। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दो कण कुछ दूरी पर रखे हैं, यदि दोनों कणों के द्रव्यमान दुगने कर दिए जाएं तो तथा इनके बीच की जो दूरी है वो अपरिवर्तित रखें तो इनके बीच का जो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? तो हमें पता है कि गुरुत्वाकर्षण बल के अनुसार जो है वो F बराबर क्या होता है? तो F बराबर होता है G m m by r स्क्वायर। ठीक है, जहाँ पे कि F जो है वो दो पिंडों के बीच का कार्यरत बल होता है, m जो है, ठीक है, कैपिटल M क्या होता है? पहले पिंड का द्रव्यमान होता है, स्मॉल m क्या होता है? दूसरे पिंड का द्रव्यमान होता है, और g क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है, और r क्या होता है? दो पिंडों के बीच की दूरी होती है। और हमें पता है कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो दोनों कणों का जो द्रव्यमान है वो दुगना कर दिया जाए, तो दुगना करने पर क्या हो जाएगा? तो जी टू एम और ये हो जाएगा 2m/r² तो ये कितना हो जाएगा? ये हमारा 4 गुना हो जाएगा, तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 4gmm/r² तो कितना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा। तो इनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल कितना गुना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलिए। एक परमाणु की प्रथम परमाणविक त्रिज्या का निम्नलिखित में से कौन सा सही प्रदर्शन है? तो ए गलत है, बी हमारा सही है, और हाँ सी भी सही है, और डी जो है हमारा गलत है। ठीक है, तो कैसे गलत है? क्योंकि नाभिक के केंद्र तथा बाह्यतम कोष के बीच की दूरी परमाणविक त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, तो ये नाभिक का केंद्र हो गया और इसके बाह्यतम कोष के बीच की दूरी हो गई इसमें। ठीक है, और इसमें भी नाभिक का केंद्र और बाह्यतम कोष के बीच की दूरी हो गई। तो इस प्रकार हमारा बी और सी हमारा ऑप्शन सही है। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हाँ, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यौनारंभ पर विसरणों का निम्नलिखित में कौन सा कार्य नहीं होता है? तो कौन सा कार्य जो है वो नहीं होता है? तो इसमें हो जाएगा जनन कोशिकाओं का निर्माण सही है, टेस्टोस्टेरोन का स्राव ये भी सही है, अपरा का विकास नहीं ये नहीं होता है, और एस्ट्रोजन का स्राव ये भी नहीं होता है। तो हमारा कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो विसरण के क्या कार्य होते हैं एक बार हम लोग देख लेते हैं। विसरण के कार्य होते हैं शुक्राणुओं का निर्माण किया जाना, नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का स्राव किया जाता है,
विसरण कोष में विसरण स्थिर रहता है या शरीर के बाह्य स्थित रहता है। इसका तापमान जो है 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है। विसरण से स्रावित हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन व एंड्रोस्टेरोन नर में यौनावस्था को प्रेरित करता है। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडी का गुण जो है वो नहीं है? तो कौन सा कोलाइडी का गुण नहीं है? कोलाइड जो है एक विषमांगी मिश्रण है, सही है। कोलाइड इससे गुजरने वाले प्रकाश पुंज को प्रकीर्णित नहीं कर सकता, तो ये गलत है। बहुत छोटे आकार के कारण अकेले कणों को नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता, सही है। बाह्य बल से मुक्त होने पर वे स्थिर नहीं होते, ये भी सही है। तुम्हारा ऑप्शन बी इसका गुण नहीं है, ठीक है। तो अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। पदार्थों के निम्नलिखित वर्गों में से कौन से वर्ग या वर्गों में केवल अजैव निम्नीकरणीय वस्तुएं शामिल हैं? तो कौन से वर्ग में है? तो इसका हो जाएगा लकड़ी, कागज और चमड़ा, तो ये गलत है। पॉलीथीन, प्रक्षालक और पीवीसी, ये हमारा सही है। पॉलीथीन, प्रक्षालक और पीवीसी। प्लास्टिक, प्रक्षालक और घास, ये गलत है। प्लास्टिक, बैकेलाइट और डीडीटी, तो ये हमारा सही है। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है वो दूसरा और चौथा। तो अजैव निम्नीकरणीय वस्तुओं में शामिल है पॉलीथीन, प्रक्षालक, पीवीसी, प्लास्टिक, बैकेलाइट और डीडीटी। वे पदार्थ जो जीवाणु अथवा मृतोपजीवियों द्वारा सरल पदार्थ में नहीं टूटते अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहलाते हैं। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तत्व ए, बी, सी, डी और ई के परमाणु क्रमांक क्रमशः 9, 11, 17, 12 तथा 13 हैं, तो तत्वों का कौन सा युग्म जो है समूह से संबंधित है? ठीक है, तो ए का परमाणु क्रमांक कितना है, यहाँ पे लिख लेते हैं। ए का परमाणु क्रमांक है 9, ठीक है। तो इसका जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, तो 2 और 7 हो जाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं बी का परमाणु क्रमांक कितना है, 11 है, तो इसका कितना हो जाएगा, 2, 8 और 1 हो जाएगा, ठीक है। अब सी का कितना है, 17 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2, 8 और 7 हो जाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं डी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है, डी का परमाणु क्रमांक कितना है, 12 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2, 8 और 2, ठीक है। अब हम आते हैं ई, तो ई का इलेक्ट्रॉनिक, ई का परमाणु क्रमांक 13 है, तो इसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, तो 2, 8 और 3, ठीक है। तो अब इसमें से कौन से युग्म समान समूह से संबंधित हैं, तो देखिए तो इसके संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें 7 है और इसमें 7 है और बाकी तो सेम नहीं है, तो हमारा ए और सी, हाँ ए और सी हमारा जो है वो सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा, ए और सी जो है वो हमारा सही युग्म समान समूह से संबंधित है। चलिए तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सी, ए तथा सी जो है वो सही है, क्योंकि ए और सी दोनों तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो समान है, 7 है, अतः वे समान समूह से संबंधित है, अर्थात आवर्त सारणी के 17वें समूह से हैं। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा हार्मोन शरीर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है? तो कौन सा हार्मोन करता है, तो वो है
इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन जो है वो शरीर में शर्करा के स्तर को क्या करता है, नियंत्रित करता है। महावीर स्वामी का जन्म जो है वो कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म जो है वो कुंड ग्राम में हुआ था। अब महावीर स्वामी से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं उन्हें एक बार हम लोग देख लेते हैं। महावीर स्वामी का जन्म जो है वो कुंड ग्राम वैशाली के निकट 540 ईसा पूर्व में हुआ था। उनकी माता त्रिशला जो हैं वो वैशाली के लिच्छवीगढ़ राज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी, और महावीर के पिता जो हैं सिद्धार्थ वो कुंड ग्राम के प्रधान थे। महावीर का जन्म जो है वो ज्ञात्रिक कुल में हुआ था, और महावीर जो हैं वो 30 वर्ष की अवस्था में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर गृह त्याग कर सन्यासी बन गए, और जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए। प्रथम तीर्थकर कौन थे, तो ऋषभ देव थे, और अंतिम तीर्थकर कौन थे, तो महावीर स्वामी थे। और सम्यक संकल्प, सम्यक चरित्र एवं सम्यक ज्ञान, इन तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा जो है वो दी गई है। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान जो है वो कौन था, तो वो था अल बरूनी। कौन था, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अल बरूनी था। वह जो है खीवा, प्राचीन नाम ख्वारिज्म देश का रहने वाला था। अल बरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कर दिया था, तो किस सुल्तान को, तो ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि कर को उत्पादन का 50% तक कर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी अधिकतम भू राजस्व लेने वाला मुस्लिम शासक था। इन्होंने अधिकतम खालसा भूमि शाही का प्रयोग किया, और अलाउद्दीन ने हिंदू जमींदारों से धन संपत्ति और विशेषाधिकार छीन लिया था। बाजार नियंत्रण व्यवस्था का सर्वोच्च विभाग या संगठन दीवान ए रियासत की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे, तो किस सुल्तान के दरबार में थे, तो फिरोज शाह तुगलक के। फिरोज शाह तुगलक के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। फिरोज शाह तुगलक के पास लगभग 180,000 दास थे, और दीवान ए बंदगान का गठन उनकी देखभाल के लिए की गई थी, और इन्होंने एक विभाग दीवान ए खैरात स्थापित किया था जो गरीब मुसलमानों, अनाथ एवं विधवाओं को आर्थिक सहायता देता था। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक जो था वो कौन था, तो उसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अल्बू कर्क। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक जो था वो अल्बू कर्क था। कब से कब तक था, 1509 से 1515 ईस्वी तक। इन्हें जो है भारत में पुर्तगाली राज्य के स्थापना करने वाला माना जाता है, और अल्बू कर्क की पहली सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी गोवा पर अपना अधिकार करना। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। इनमें से किसे दी ग्रैंड ओल्ड मैन, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, तो किसे जाना जाता है, दादा भाई नौरोजी को। दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1886, 1893 और 1906 ईस्वी में अध्यक्ष भी रहे हैं, और दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय थे जो एल्फिंस्टन कॉलेज बम्बई में गणित एवं भौतिकी के प्रोफेसर जो है वो नियुक्त हुए थे, और इन्होंने एक गुजराती पत्रिका राष्ट्र गुफ्तार की शुरुआत की, और प्रॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक भी इन्होंने लिखी थी। कब लिखी थी, तो 1901 में लिखी थी। अब हम आते हैं, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ की थी, तो इन्होंने साबरमती से प्रारंभ की थी। तो महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा जो है वो साबरमती से प्रारंभ की थी। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च शुरू किया था। गांधी जी ने अपने 78 समर्थकों के साथ दांडी मार्च शुरू की थी।
जो 24 दिनों में लगभग 240 मील 385 किलोमीटर की यात्रा की गई थी। और 6 अप्रैल को गांधी जी ने समुद्र तट पर प्रतीकात्मक रूप से नमक बनाकर कानून जो है वो तोड़ा। और नमक कानून तोड़कर गांधी जी ने औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ किया। और सुभाष चंद्र बोस ने इस अभियान की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस मार्च और मुसोलिनी के मिलान से रोम मार्च से की है। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है? तो किस सूची में सम्मिलित है? राज्य सूची में सम्मिलित है। तो पंचायती राज विषय जो है को राज्य सूची में सम्मिलित रखा गया है। और संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत स्थानीय शासन पंचायती राज राज्य सूची का विषय है। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जो है वो जोड़ा गया है? तो 42वें संशोधन के द्वारा जो है वो जोड़ा गया है। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी द्वारा इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता शब्द जो है वो जोड़े गए थे। प्रस्ताव में अब तक एकमात्र संशोधन जो है वो किया गया है। और प्रस्तावना को प्रारंभ में संविधान का भाग नहीं माना जाता था। 1973 ईस्वी में उच्चतम न्यायालय ने केशवानंदवाद में माना कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। और पंथ निरपेक्ष का अर्थ है कि भारत सरकार और राज्य सरकारें का कोई अपना धर्म या पंथ नहीं है। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक तत्वों को कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। नीति भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्वों का जो उल्लेख है वो भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 के मध्य किया गया है। इसे संविधान में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना के उद्देश्य से किया गया है। संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। ऐसा प्रावधान जो है वो भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस एक में है? तो किस में है? अनुच्छेद 355 में। तो संघ का यह कर्तव्य है कि बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। ऐसा प्रावधान जो है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 355 में वर्णित है। और आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए राष्ट्रपति को शक्ति प्रदान की गई है जो इस प्रकार है। राष्ट्रीय आपात किसके दौरान है? तो अनुच्छेद 352 में इसका वर्णन है। और राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356। और वित्तीय आपात जो है वो अनुच्छेद 360। तो अनुच्छेद 352 के तहत जो है वो राष्ट्रीय आपात अब तक 3 बार लागू किया गया है, जो कि क्रमशः है 1962 में, 1971 में और 1975 ईस्वी में। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जहांगीर का समकालीन वह इतिहासकार जिसने बिहार के पटना में अपनी प्रसिद्ध ग्रंथ दबिस्ताने मजाहिब की रचना की, कौन है वो? उनका नाम है मोहसिन फानी। जहांगीर के समकालीन इतिहासकार मोहसिन फानी थे जिसने पटना में अपनी प्रसिद्ध ग्रंथ दबिस्ताने मजाहिब की रचना की। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी। कौन उपस्थित नहीं था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हिमालय की श्रेणियों में सबसे प्राचीनतम श्रेणी का क्या नाम है? तो सबसे प्राचीनतम श्रेणी का नाम है वृहत हिमालय श्रेणी। क्या नाम है? वृहत हिमालय श्रेणी। भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी दामोदर नदी की सहायक नहीं है? तो कौन है? तो इंद्रावती नदी जो है वो दामोदर नदी की सहायक नहीं है। तो इंद्रावती नदी किसकी सहायक नदी है? तो यह जो है वो गोदावरी की सहायक नदी है।
इंद्रावती, तो दामोदर जो है नदी हुगली की सहायक नदी है। तो दामोदर नदी किसकी सहायक नदी है? तो हुगली की सहायक नदी है। और दामोदर नदी का जो उद्गम है वो छोटा नागपुर पठार से होता है, और यह नदी भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। इसकी सहायक नदी है बराकर, जमुनिया, बरकी आदि। और दामोदर नदी जो है वो अंत में हुगली नदी में मिल जाती है, और दामोदर नदी को ही बंगाल का शोक कहा जाता है। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत को अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम है। तो क्या है इसका आरोही क्रम? नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के साथ जो है वो सीमा की लंबाई कितने किलोमीटर है? 4096.7 किलोमीटर है। चीन के साथ 3488 किलोमीटर है, और पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर है, और नेपाल के साथ कितना है? तो 1751 किलोमीटर। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। कुछ जीव अकार्बनिक स्रोतों से प्राप्त साधारण खाद्य सामग्री का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड और जल के रूप में करते हैं, इन जीवों को क्या कहते हैं? तो इन जीवों को क्या कहते हैं? स्वपोषक। क्या कहते हैं? स्वपोषक कहते हैं। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से संबंधित अनिवार्य सीमाएं तय करने वाले औद्योगिक देशों के बीच की गई एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है? तो कौन सा है? तो क्योटो प्रोटोकॉल। तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से संबंधित अनिवार्य सीमाएं तय करने वाले औद्योगिक देशों के बीच की गई एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। क्योटो प्रोटोकॉल क्योटो सम्मेलन जापान के क्योटो शहर में वर्ष 1997 में हुआ था, और क्योटो प्रोटोकॉल को रियो प्लस 5 सम्मेलन भी कहा जाता है। इस प्रोटोकॉल में वर्ष 1990 के ग्रीन हाउस गैसों के स्तर में 5% की कटौती करना तय किया गया था, और यह संधि 2005 से लागू की गई। अब हम आते हैं अपने आज के लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 40 पे। निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरणीय चिंता नहीं है? तो कौन सी है? ओजोन परत का बढ़ना। तो ओजोन परत का बढ़ना जो है वो पर्यावरणीय चिंता नहीं है। ओजोन परत जो है वो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों विकिरणों को अवशोषित करता है। ओजोन की जो सांद्रता है वो डॉप्सन इकाई में मापते हैं, और ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्यतः जिम्मेदार गैस CO2 है, और ओजोन O3 में ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं। तो इस प्रकार हमारा आज का ये टेस्ट सीरीज नंबर 3 यहीं पे समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।